इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। नमस्कार, मैं सुधा चंद्र, क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूँ। विश्वास हर रिश्ते की नींव होती है और विश्वासघात उस नींव को हिला देने वाला एक ऐसा जरिया होता है जिसके बाद सारे रिश्ते नाते हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। हर परिवार में प्यार और तकरार होना स्वाभाविक है। जब बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं तो विभिन्न विचार होते हैं और इस वजह से मतभेद और झगड़े शुरू हो जाते हैं, और जब इन झगड़ों की वजह से लोग एक दूसरे के साथ बात करना बंद कर देते हैं तब जन्म लेता है अपराध। आखिर ऐसा क्यों होता है कि एक ही छत के नीचे रहने वाले लोग अक्सर एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं? रे रेखा, तुम? बाप रे, इतने सालों बाद। By God, बिल्कुल नहीं बदली तुम। वैसे ही मेंटेन करके रखा हुआ है। तू तो पूरी चेंज हो गई है, पहले से ज्यादा सुंदर हो गई। अब मैं तो यही रहती हूँ, तू बता यहाँ कैसे? बस यार, अब ये वाले कपड़े मेरे एरिया में नहीं मिलते ना, सारे डिजाइनर शॉप्स हैं वहाँ पर, बार्गेन भी नहीं कर पाती ना। तुझे तो पता होगा तू रही है ऐसे एरिया में। कैसे मॉमडैड कैसे हैं? ठीक है, वहीं पर रहते हैं क्या? बात बात होती है? बात तो नहीं होती, पर सब अच्छे है। तू आती रहती है यहाँ शॉपिंग के लिए, तो चल एक दिन घर भी आ जा। अरे मैं आज ही चल देती, बट अर्जुन ऑफिस से आते होंगे ना, तो पहुंचूंगी लेट हो जाएगा। तू ऐसा कर, मुझे अपना नंबर दे, मैं जल्दी मिलती हूँ। We'll see you. मिलते हैं। Nice meeting you यार। तुम्हें पता है अर्जुन, हम सब कॉलेज टाइम के फ्रेंड्स हैं, और ये शुभ, ये तो बड़ा फेमस था कॉलेज में, लड़कियां मरती थी इस पर, और ये महाशय भी कुछ कम नहीं थे, कई लड़कियों से अफेयर था इसका। फिर शुभ ने न जाने कितनी लड़कियों का दिल तोड़कर रेखा से शादी कर ली। अब शायद दोनों साथ में खुश भी हैं। क्यों शुभ? हाँ हाँ, हम बहुत खुश हैं साथ में, बिल्कुल बाकी शादीशुदा लोगों की तरह। हम खुश हो या ना हो, पर एक बात तो है, हम शादी नहीं करते तो नमिता तुम्हें नहीं मिलती अर्जुन। हम तीनों की जोड़ी थी ही इतनी पक्की, पर हम दोनों की शादी ने नमिता को अकेले कर दिया। वैसे पता है रेखा, आज जो कुछ भी है ना मेरे पास, सब तुम दोनों की वजह से ही है। यार ये सब छोड़िए, अब तो हम मिल ही लिए, आज तक तुम दोनों के बारे में सुना ही था, लेकिन आज तो मिल गए, तो एक काम करते हैं, इस अच्छी मुलाकात को एक अच्छे मूड में बदलते हैं। तो इसीलिए लीजिए अपने ग्लास, लीजिए। काफी स्ट्रॉन्ग है। वैसे एक बात हमें समझ में नहीं आई,
कि नमिता जब से तुमसे मिली है तब से फोन पे लगी रहती है। यार कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई दूसरा अफेयर वफेयर? हम बेस्ट फ्रेंड्स थे, कॉलेज में भी हमारी बातें कभी खत्म नहीं होती थी, पर फिर शुभ पूरी ड्रिंक शॉट पे गिरा दी। तुम्हारी आदत बिल्कुल नहीं बदली। हाँ अब ऐसे साफ मत करो, ऐसे साफ नहीं होगा, स्मेल भी रह जाएगी। चलो मैं क्लीन करा देती हूँ, आ जाओ, उठो उठो। अरे क्लीन नहीं होगा ऐसे, चलो चलो तुम्हारे। अब मैं आती हूँ। देख, अरे आप कहाँ जा रहे हैं? अरे शुभ अपने ऊपर पता नहीं फिर से क्या गिरा लेगा, मैं उसकी मदद कर देती हूँ ना। अरे शुभ कोई बच्चा थोड़ा है, आप बैठिए ना। हम तो बस ये जानना चाहते थे कि ऐसी क्या खूबी आप में कि जो नमिता आपसे बात करती रहती है। देखना पैम्पर करते हैं मुझे। दुकान से सारा लेटेस्ट कलेक्शन घर पर ही मंगा लिया, और मैं सोच सोच कर परेशान हूँ सुबह से कि कौन सा रखूं। सब कितने प्यारे हैं ना, बताना रेखा कौन सा रखूं। इसलिए डिनर पे बुलाया ना। क्या? ताकि तू ये सब दिखा सके। अर्जुन जैसे बिजनेसमैन से शादी करके तू कितने ऐशो आराम की जिंदगी जी रही। पता था ना तुझे कि शुभ के पास पैसे नहीं है, हमारी गरीबी का मजाक उड़ाने के लिए बुलाया है। जताना चाहती है कि शुभ से शादी करके मैंने कितनी बड़ी गलती की। ये सब क्या बोले जा रही है रेखा, मेरे माइंड में ऐसा कुछ भी नहीं है। और तू सच बता, तुझे ऐसा लगता है कि इतनी पुरानी बात मैं अपने दिल में रखूंगी? मैं कब का ये सब भूल चुकी हूँ यार। शुभ को तुझसे शादी करनी थी, उसने कर ली। तुझे जो चाहिए था वो मिल गया। मैं सब कुछ भुला चुकी हूँ, अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ मैं। तू भी ये सब भूल जा, उम्र ही क्या थी हमारी जिंदगी को समझने की। चलो आप अब बताओ कि कौन सा लूं। बैठो। सारे ही अच्छे हैं, कोई भी रख ले। वैसे भी तेरी किस्मत और लुक्स इतने अच्छे हैं कि कुछ भी रम जाएगा तेरे ऊपर। आज तूने कोई मदद नहीं की मेरी। चल कोई बात नहीं, बाद में देख लूंगी। चलते हैं, अर्जुन और शुभ बोर हो रहे होंगे, पहली बार मिले हैं ना दोनों। चल रेखा आ जा। हाँ। नाम क्या है तेरा? रहता कहाँ है, कुछ बोलेगा? सर ये फोटो मिली है इसके फोन में। इसके अलावा कोई और डिटेल्स, चैट्स, मैसेजेस, कॉल्स? नहीं सर, नया सिम डाला है फोन में, कोई डिटेल्स नहीं है। और कुछ बोल भी नहीं रहा है, लगता है स्ट्रीट शीटर है और प्रोफेशनल भी। इस फोटो में जो लड़की है इसकी जान खतरे में हो सकती है। तुम एक काम करो, इस फोटो में जो लड़की है इसे ढूंढो और बाकी सभी पुलिस स्टेशन में ये फोटो सर्कुलेट कर दो और इसे फिलहाल लॉकअप में डाल दो। देख क्या रहा है, आंग नीचे कर। बुलाना ही नहीं चाहिए था तुम लोगों को, गलती कर दी हमने। हिम्मत कैसी हो ऐसा हमें बोलने की? हाँ खुद तो सारे गहने मेरे सामने बिछा के रखे थे, मैंने तो ध्यान से देखा भी नहीं। घर पे खाने के लिए बुलाते हैं, बेइज्जती करने के लिए? सही कह रही हो, तुम जैसे चोरों को घर बुलाना ही नहीं चाहिए। तू चोर, तेरा पूरा खानदान चोर। एक तो पैसे के लिए पति से शादी की और मुझे बोल रही है चोर। ए! क्या चल रहा है ये सब? मच्छी बाजार समझ रखा है आप लोगों ने? पुलिस स्टेशन में खड़े, तमीज से पेश आइए। नितिन क्या चल रहा है ये सब? मैम ये चोरी की कंप्लेन लिखवाने के लिए आए हुए हैं। दिखने में अच्छे खानदान के मालूम होते हैं आप लोग, सभ्य इंसानों की तरह अपनी कंप्लेन दर्ज करवाइए। नितिन कंप्लेन लिखो इनकी। चलो हमारे साथ। मैम मोहाली पुलिस स्टेशन से हमारे पास एक तस्वीर आई है। ये तो वही लड़की है ना जो गहनों की चोरी की कंप्लेंट लिखवाने आई थी, इसकी तस्वीर मोहाली पुलिस के पास कैसे? मैम ये तस्वीर किसी शूटर के पास मिली है। हाँ।
शूटर के पास इसकी तस्वीर कैसे? पता करना होगा। किसने दी थी सुपारी? बता! यादें! किसने दी तुझे सुपारी? बता! सर, फरीदाबाद पुलिस स्टेशन से फोन आया है, लड़की का पता चल गया है। सर, लड़की का नाम नमिता है। इसके और इसके हस्बैंड ने फरीदाबाद पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कराया था, अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है सर। इससे पूछताछ जारी रखो, जब तक सुपारी देने वाले का नाम नहीं बताएगा तब तक छोड़ना मत। सर, हेलो। रेखा, नमिता और शुभ, जो कि कॉलेज के एक समय के बहुत अच्छे दोस्त थे, अचानक एक दिन वो एक दूसरे की जिंदगी में आ जाते हैं और इनके मिलते ही शुरू हो जाता है साजिश और अपराध का सिलसिला। नमिता के घर से गहने गायब हो जाना और उसके कुछ दिनों बाद ही एक ऐसे सुपारी किलर का पकड़े जाना जिसको नमिता को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया हो, क्या ये संजोग था या फिर एक सोची समझी साजिश? कौन रच रहा था ये खेल और इन तीनों में से किसकी जिंदगी लगने वाली थी दांव पर? पहले नमिता के घर चोरी होना, फिर चोर या चोरी के गहनों का ना मिलना, फिर एक कॉन्ट्रैक्ट किलर को नमिता की सुपारी दी गई। मैडम, मुझे किसी तरीके से एक दूसरे से जुड़ा हुआ लग रहा है। अब तो इन चोरों से मिलना ही पड़ेगा। मैम। हाँ बोल, क्या? ठीक है मैडम, अब उन चारों में से एक से मुलाकात नहीं हो पाएगी। क्यों? होटल डिजायर में एक मर्डर हुआ है। किसका? अर्जुन का। सुपारी दी गई नमिता के नाम की और खून हो गया अर्जुन का, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों हस्बैंड वाइफ के नाम की सुपारी निकाली गई हो? हो सकता मैडम। ये केस तो उलझता ही जा रहा है। आप लोग बाहर जाकर खड़े रहो। फोरेंसिक टीम को इन्फॉर्म कीजिए। क्लोज रेंज से शूट किया गया है। गोली चलने की आवाज किसी ने नहीं सुनी? नहीं मैम। हो सकता है साइलेंसर लगा के शूट किया हो पिस्टल पर। प्रोफेशनल शूटर का काम है ये। गेस्ट का नाम क्या है? हितेश मैम। आप लोग कंप्यूटर में एंट्री नहीं करते? इनकी नहीं की थी मैम। फिर तो इनकी आईडी भी नहीं ली होगी आपने? इन्होंने मैम कुछ ही देर के लिए रूम लिया था, बाकी बहुत से लोग भी ऐसा ही करते हैं, घंटे के लिए रूम लेते हैं और फिर बाद में पेमेंट भी कैसे ही करते हैं। कोई मिलने आया था इनसे? रिसेप्शन पे तो नहीं मैम, लेकिन अगर कोई डायरेक्ट रूम में गया तो कुछ कह नहीं सकते। मैडम, ये देखिए ब्रेसलेट, लगता है कोई दूसरी औरत थी उसकी जिंदगी में। टैग भी लगा है, शायद गिफ्ट लाया था उसके लिए। मतलब उसी दूसरी औरत के चक्कर में ये अपनी बीवी को मरवाना चाहता था, या फिर औरत इसे हासिल करने के लिए इसकी बीवी को मरवाना चाहती थी? हो भी सकता है। सीसीटीवी फुटेज चेक करवाओ। जी मैम। जल्दी सारे सीसीटीवी कैमरास के फुटेज कलेक्ट कीजिए। जी हवलदार। यस। भाभी, भैया का फोन लगा क्या?
नहीं लग रहा है रिंकी, पता नहीं कहाँ रह गए। कहाँ हो सकते हैं भैया? भैया क्या हुआ, कहाँ है अर्जुन? अर्जुन, आपको ऐसा क्यों लगा कि हम अर्जुन के बारे में ही बात करने आए? क्योंकि भैया आए नहीं रात भर घर, और उनका फोन भी नहीं लग रहा था। क्या वो अक्सर ऐसा करते हैं? नहीं, उनकी रात भर घर से बाहर रहने की आदत नहीं है। बस कल नाराज होकर घर से गए थे। और वो नाराज क्यों थे? भाभी कब तक छुपाती रहोगी, कब तक ढोंग करती रहोगी सबके सामने कि आप खुश हो इस शादी से? कब तक छुपाते रहोगे आप भैया की असलियत? मैं बताती हूँ आपको। ये बकवास खाना बनाया तुमने? बाबा आपने कुछ सिखाया नहीं तुमको? अरे मत्थे मर दिया फालतू में। तुम्हें क्या मती मारी थी कि तुम चाहे शादी कर ले, और वो तुम्हारे दोस्त सारे जेवर लेकर चले गए, कौन भरेगा उनके पैसे? तुम भरोगी? हमारी जिंदगी ना नरक बना दी है तुमने, शांति नहीं है हमारी जिंदगी में। बस इतना तो हुआ था, और वो नाराज होकर निकल गया। नहीं, किसी का फोन आया था क्या? क्यों, किसी का फोन आने वाला था? ये फोन मैंने दिलाया तुम्हें, इसे मैं चेक भी कर सकता हूँ और जब चाहूँ तब सुन भी सकता हूँ। शाम को मेरी मीटिंग है बाहर, खाना खा के आऊंगा। पर फिर रात भर वो आए नहीं, और बात बात पर गुस्सा करना ये तो आए दिन का काम था। गुस्सा करना, मारना, पर सर वो रात भर घर से कभी गायब नहीं रहते थे। और आप लोग अगर उनके बारे में बात करने नहीं आए तो फिर क्यों आए? अर्जुन का मर्डर हो गया है। क्या? कौन कर सकता है अर्जुन का खून? पता नहीं। रिंकी, भाभी तो एक मक्खी भी नहीं मार सकती थी, डरती थी भैया से वो। क्या अर्जुन का कभी किसी और के साथ अफेयर था? अफेयर किससे? उसी के साथ जिसे मिलने वो होटल डिजायर गए थे। मैडम हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि वो औरत आखिर थी कौन। आपके नाम की सुपारी दी गई है, वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट किलर को। जरा सोचिए, कौन मरवाना चाहता था आपको? अर्जुन? वो ऐसा क्यों करेंगे मैम, वो गुस्सा करते थे पर प्यार भी करते थे मुझसे। मैडम आप शायद भूल रही हैं कि उनका अफेयर चल रहा था किसी दूसरी औरत के साथ। रेखा, रेखा मारना चाहती है मुझे, पता नहीं उसको हमेशा से मुझसे क्या दुश्मनी है, बस वही है जो ऐसा कर सकती है। ऐसा क्यों लगता है आपको? सर शायद मैंने उसके खिलाफ चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी, और वो हमेशा से ऐसी ही थी, कुछ भी कर सकती है वो। लेकिन आप दोनों तो कॉलेज में दोस्त थे ना? हाँ मैम थे, पर अरे अर्जुन कहाँ गए? और ड्रिंक्स लेने। तेरी लाइफ तो सेट है यार, तूने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतना अच्छा हस्बैंड मिल जाएगा और अमीर भी। सही कह रही हो रेखा, अपनी अपनी किस्मत होती है। मैं तो शुभ के साथ भी बहुत खुश थी, पर फिर बीच में तुम आ गए और उसे अपना पैसा दिखाकर मुझसे छीन लिया, तो तुम्हें भी तो वो मिल गया ना जो तुम्हें चाहिए था। शुरू में तो खुशी हुई, पर फिर पता चला कि बिना पैसे के खुशी नहीं मिलती। मैंने शुभ से भागकर शादी तो कर ली, पर फिर माँ पापा ने घर से धुतकार के निकाल दिया, और आज तक हम दोनों से बात नहीं की। शुभ जो भी कमाता है सब बिल भरने में चला जाता है। पैसों की जद्दोजहद में तो
प्यार तो जैसे उड़न छू ही हो गया है। कभी कभी तो लगता है कि वक्त बदल जाए, पीछे जाकर किस्मत एक्सचेंज हो जाए। तू शुभ के साथ और मैं अर्जुन के साथ। क्या? रेखा हमेशा से जलती है मुझसे, कभी खुश नहीं देख सकती। मैम वही मारना चाहती है मुझे। देखिए तहकीकात जारी है, जल्द पता चल जाएगा जी। और आपकी सुरक्षा के लिए एक कांस्टेबल आपके घर के बाहर दिन रात तैनात रहेगा। लेकिन आप दोनों से गुजारिश है, बिना हमें इन्फॉर्म किए आप दोनों घर से बाहर बिल्कुल मत निकलिएगा। ये टैग लगा हुआ ब्रेसलेट आपकी दुकान का है? हाँ जी सर, ये पीस हमारी दुकान का ही है, कल ही तो ये पीस बेचा है। अच्छा हुआ आप आ गए। अर्जुन भाई, तो ज्वेलरी का कुछ पता चला क्या? अरे पटेल साहब, आप चिंता क्यों कर रहे हैं, हो जाएगा ज्वेलरी का भी। आप बस एक काम करिए, मुझे कोई अच्छा सा पीस दिखाइए। हाँ हाँ बिल्कुल। अर्जुन भाई, वैसे भी आपका और हमारा पैसे का तो कोई व्यवहार है ही नहीं ना, है ना? आपको पता है ना कि आपके पिताजी के साथ कितने सालों से बधंधा कर रहा हूँ। हाँ आप एक काम करो, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कर दो, इंश्योरेंस में क्लेम कर लूंगा। एक मिनट, ये पीस देखो, ये ब्रेसलेट बहुत अच्छा है, देखने में भी जबरदस्त और रेंज में भी एकदम कम। कुछ बताया किसके लिए लेकर जा रहे हैं? वो मैडम जी, अब हमारा काम तो सामान बेचना और पैसा कमाना है, कौन किसके लिए क्या ले रहा है, क्या खरीद रहा है, उससे हमें क्या लेना देना है जी। क्या ये वही है? यही है अर्जुन भाई। अरे आप लोग झूठ बोल रही है वो नमिता, कुछ नहीं चुराया मैंने। चोरी तो की है मैडम आपने, बॉयफ्रेंड चुराया है उसका कॉलेज में। शुभ ने खुद चुना है मुझे, बोर हो चुका था वो नमिता से। और ये सबसे आपका क्या लेना देना? आप लोग मेरी निजी जिंदगी में सवाल करने आए हैं। अर्जुन के बारे में क्या ख्याल है आपका? क्या अर्जुन भी बोर हो चुका था नमिता से? क्या कहना चाह रहे हैं आप? क्या अर्जुन भी आपके पीछे पड़ा था या आप अर्जुन के पीछे पड़ी थी, बताइए। मैम गलत बात मत करिए, अपनी लिमिट में रहिए। और आपका क्या करें मैडम, आपने तो लिमिट ही क्रॉस कर दी। ये आपके और अर्जुन के वैसे चैट्स के डिटेल्स है, एड्रेस और टाइम भेजा था अर्जुन ने आपको उस होटल का, जिस होटल में अर्जुन का खून हुआ है और जहां पर आपको मिलने बुलाया है। क्या अर्जुन का खून हो गया? बनिए मत मैडम जी, क्यों मारा आपने अर्जुन को? अर्जुन ने नमिता को छोड़कर आपके साथ रहने से इनकार कर दिया, ये आपसे सहन नहीं हुआ। आपने सोचा कि अर्जुन अगर मुझे नहीं मिल सका तो नमिता को कैसे मिल सकता है, इसलिए मारा ना आपने उसे। ये कुछ नहीं किया है, मैं अर्जुन से मिलने गई थी पर वजह शुभ था। ये क्या किया शुभ तुमने, खाए कैसे सारे गहने? तुम्हें पता है ना पुलिस में ऑलरेडी मेरा रिकॉर्ड है, पुलिस सबसे पहले मुझे पकड़ेगी। ये लो ये दवाई पी लो, डॉक्टर ने दिए, रिलीफ मिलेगा तुम्हें। जैसे ही गहने निकले मैंने सबसे पहले नमिता को फोन किया, पर नमिता की जगह अर्जुन ने फोन उठाया और मैंने उसे बोला कि मैं गहने घर आके लौटा जाऊंगी, तो उसने घर आने से मना कर दिया और कहा कि वो मुझे मिलने की जगह बताएगा। तब उसने मुझे होटल डिजायर का लोकेशन भेजा, मैं भी उसे मना नहीं कर पाई, वरना वो शुभ को जेल भिजवा देता। अब आप ये बताइए
गहने कहाँ है? गहने मैंने उसे ही दे दिए थे। ये आप ही हो ना? हाँ मैं ही हूँ, पर मैंने अर्जुन को नहीं मारा सर। मैं जब वहां से निकली तब अर्जुन जिंदा था, मेरा विश्वास कीजिए। और चोरी के इल्जाम से बचने के लिए मर्डर कौन करता है? ये जरूर नमिता ने करवाया होगा। वैसे मैं भी शादी में बहुत खुश नहीं हूँ। ये अर्जुन जितना अच्छा दिखता है ना उतना अच्छा है नहीं। पछता रही हूँ मैं इससे शादी करके। अरे कभी भी गुस्सा करता है, चिल्लाता है, चीखता है और हर बात पर गरीब घर की लड़की होने का ताना देता है। इस शादी में प्यार नहीं है, बस एक समझौता है। कभी कभी लगता है काश मैं समय में पीछे जा सकती, तुम्हें शादी के लिए मना कर देती। कभी कभी तो लगता है कि मर ही जाता तो अच्छा है, पीछा छूटता मेरा इस शादी से। फिलहाल शुभ को चोरी के जुर्म में गिरफ्तार करना पड़ेगा। मैंने क्या किया सर? सर आप मेरी बात सुनिए। अरे आप चुप बात सुनिए। रेखा ने परिवार के खिलाफ जाकर शादी की और नमिता ने पैसों की खातिर। इन दोनों की शादीशुदा जिंदगी ऊपर से जितनी खुशहाल नजर आ रही थी अंदर से वो उतनी ही खोखली थी। कौन था अर्जुन का कातिल? ये केस धीरे धीरे सुलझने के बजाय और भी उलझता ही जा रहा था। कौन जिम्मेदार था अर्जुन की मौत के लिए? नमिता जो उसे पीछा छुड़ाना चाहती थी, या फिर रेखा जो नमिता से जलती थी? कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, इस वक्त ये बताना बहुत ही मुश्किल हो गया था। लेकिन सबके चेहरे के नकाब परत दर परत धीरे धीरे करके उतरते जा रहे थे। किसने दी नमिता की सुपारी? कौन था कातिल का अगला निशाना? मैडम रेखा सही बोल रही थी, वो अंदर गई थी बैग लेके और जब बाहर आई तो उसके हाथ में बैग नहीं था। और वीडियो देखने से ये पता चलता है कि वो परेशान भी नहीं थी, आराम से चल कर गई। अगर वो खून करती तो वहां से भाग कर निकल जाती। तो फिर आखिर गहने गए कहाँ? किसने चुराए होंगे गहने? कौन गया होगा रूम में रेखा के वहां से जाने के बाद? कुछ छूट रहा है हमसे, जरूर कुछ छूट रहा है। पहले तो गहनों का गायब होना, फिर अर्जुन का रेखा को मिलने के लिए बुलाना और सबसे पहले उसका ब्रेसलेट खरीदना और फिर अचानक से किसी का नमिता और अर्जुन के नाम की सुपारी देना। जरूर कुछ ऐसा है जिसे हम देखकर भी देख नहीं पा रहे। बताओ गहने क्यों खाए थे तुमने? बताओ। पहली बार चोरी की थी मैंने, डर गया था कि आखिर किसी ने पॉकेट में देख लिया तो क्या होगा। नहीं जानता था कि निकलने में इतनी मुश्किल होगी। अर्जुन को कौन मरवा सकता है? मैम मैं नहीं जानता किसने मारा, क्यों मारा, मुझे नहीं पता ये सब। अरे इतने टाइम से तो पेट के दर्द से परेशान था मैं, ऐसा लग रहा था कि कहीं जान ही ना निकल जाए मेरी। नहीं पता मुझे किसने मारा। ये खून रेखा ने तो नहीं किया, लेकिन ये अब भी कुछ छुपा रही है। और नमिता का मोबाइल लोकेशन घर पर दिखा रहा था, रिंकी उसके विटनेस है। हो सकता है खूनी इन दोनों में से कोई है ही नहीं, लेकिन वो तीसरा कौन हो सकता है जिसे पता था कि अर्जुन होटल जाने वाला है और किस किस से मिलने वाला है? फिर चेक करते हैं। देख मैं तुझसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, बता दे किसने दी थी सुपारी, बता दे वरना पूरी जिंदगी जेल में सड़ता रहेगा। बता किसने दी थी सुपारी?
आपको हमारे साथ चलना होगा। सर मैंने क्या किया सर? आपके खिलाफ हमारे पास सबूत है, आइए। किस तरह के सबूत सर? आ रहिए हवलदार। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। मैंने नहीं मारा मैडम, वो 2 घंटे का एडवांस देकर गए थे और जब 2.5 घंटे बाद बाहर भी नहीं आए तो हमने गहने ले लिए थे मैडम, लेकिन खून हमने नहीं किया। लेकिन हाँ, जब हम रूम की तरफ जा रहे थे तो एक औरत कुर्ते में हमसे टकराई थी लॉबी में। मैनेजर सच बोल रहा है मैडम, बुरके वाली रेखा के जाने के बाद आई थी और बॉडी लैंग्वेज से ये दिखाई दे रहा है कि वो थोड़ी घबराई हुई थी। अब ये तीसरी औरत आखिर है कौन? साइलेंसर गन वाली? हो सकता है ये उसकी कोई नाराज माशुका हो पुरानी। सोचने वाली बात ये भी है, रेखा आखिर 1 घंटे तक अर्जुन के रूम में कर क्या रही थी? ये तो वही बता सकती है। रुकी थी मैं वहां, अर्जुन ने रोक लिया था। तुम्हारी गलती थोड़ा है। हाँ आओ बैठो। हाँ बैठो। टेंशन क्यों ले रही है? इतना परेशान होने की बात नहीं। ये सब तुम्हारा हो सकता है। ये भी सब तुम्हारा। क्या सोच रही हो? नहीं गलत है ये, मैं दोबारा नमिता के साथ ऐसा नहीं कर सकती। एक बार पहले ऐसा करके पछता रही हूं, दोबारा नहीं। गलती हो गई मुझसे, रोज रोज के पैसों के झंझट से थक गई थी, सोचा लाइफ आसान हो जाएगी पर नहीं कर पाई। एक बार पहले भी नमिता के साथ ऐसा कर चुकी थी, फिर से धोखा देकर उसकी दोस्ती नहीं खोना चाहती थी मैं। सर मैडम ये गन मिली है। मतलब नमिता को भी धोखा देती रही और हमें भी। मुझे नहीं पता ये यहां कैसे आई। ले चलो इसे। अब मेरे हाथ। सच में मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता ये गन कहां से आई। गन पर फिंगरप्रिंट्स तुम्हारे मिले हैं। मैम गन चलाना तो दूर, मैंने इसके पहले कभी गन देखी भी नहीं है। प्लान अच्छा था तुम्हारा, किसी और को बुरखे में अर्जुन के पास भेजना ताकि पुलिस को तुम पर शक ना हो। बुरखे में? एक मिनट रिवाइंड करिए इसको।
ये तो शुभ के जूते हैं। मैंने उसे लास्ट बर्थडे पर गिफ्ट किया था। उससे तो जेल में ही मुलाकात कर लेते हैं। बुलाओ भाई उसे। मैडम, थोड़ी देर पहले उसकी बेल हो चुकी है। किसने करवाई बेल? फाइनली रास्ता साफ हो ही गया। ऐसा लगा था कि हम दोनों फंसने वाले हैं, लेकिन मैंने सब कुछ सॉर्ट आउट कर दिया। मैंने गन पे रेखा के फिंगरप्रिंट्स ले लिए थे उसके सोते वक्त। अब वो होगी जेल में और हम दोनों आजाद होकर एक नई जिंदगी की शुरुआत। ये क्या है? ये सब क्या है? यहाँ पे सीसीटीवी भी नहीं है, फिर से डेड एंड। डेड एंड नहीं, मरते मरते हमारे लिए एक क्लू तो छोड़ ही गया है शुभ। पता लगाओ इसकी बेल किसने करवाई थी। खेल तो अच्छा खेला था आपने, लेकिन वो कहते हैं ना, मुजरिम भले ही कितना भी शातिर क्यों ना कोई गलती तो कर ही देता है। पहले शुभ को फंसाया, उसे अपने घर बुलाया, उससे गहनों की चोरी करवाई ताकि इल्जाम पूरा रेखा पर आए। लेकिन बेचारा शुभ, चोरी तो उसने कभी की नहीं थी, बेचारा डर के मारे गहने ही निकल गया। अब जाहिर सी बात है, शक पूरा आया रेखा पर, लेकिन क्योंकि उसके पास गहने थे ही नहीं, इसलिए उसे पकड़ा नहीं गया। लेकिन बाद में उसे ही गहनों का पता चला और उसने कॉल किया आपको, लेकिन आपकी जगह कॉल उठाया अर्जुन ने। अब रेखा गई, गहने वापस किए और चली गई, लेकिन तभी वहां शुभ गया बुरखा पहनकर और अर्जुन को मार डाला। और अर्जुन की हत्या करने के बाद उसने पिस्तौल रखी रेखा के कमरे में, लेकिन क्योंकि अब रेखा ने सच उगल दिया कि चोरी शुभ ने की थी, इसलिए शुभ चला गया जेल में। अब खतरा यह पैदा हो गया कि कहीं शुभ पुलिस के सामने अपना मुंह न खोल दे, इसलिए पहले तो शुभ की बेल करवाई और फिर उसका मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन मैडम, यहां एक छोटी सी गलती कर दी आपने। लॉयर ने हमें सब बता दिया कि बेल के पैसे और उसकी फीस किसने दी थी। बस मैडम, इतनी सी चूक भारी पड़ गई आपको। आपको शुभ के कत्ल और अर्जुन की हत्या की साजिश में गिरफ्तार किया जाता है। मैंने नहीं किया है किसी का भी कत्ल। चले, चलो। मैंने कुछ गलत नहीं किया, भाभी ने बताया था मुझे सब, कैसे रेखा और शुभ ने मिलकर उनको धोखा दिया।
रेखा ने शुभ को चुराया और शुभ ने पैसों के लिए रेखा से शादी कर ली। मिली थी मैं शुभ से, उसे विश्वास दिलाया कि मैं उसे प्यार करती हूँ, उसे विश्वास दिलाया कि हम अपनी जिंदगी सुधार सकते हैं, वो सारे ऐश और आराम हमारे हो सकते हैं। उस रेखा को जिसे वो बिल्कुल प्यार नहीं करता, उसे उसको छुटकारा मिल सकता है। लालची तो था ही वो पहले से। और फोन करवा दिया मैंने अर्जुन का। बहुत चालाक हो तुम, खुद के नंबर से एक बार भी फोन नहीं किया तुमने उसे? नहीं किया, मेरे पास दूसरा नंबर था बिना आईडी वाला। अर्जुन को क्यों मरवाया तुमने? अर्जुन मेरा भाई नहीं, हैवान था वो। एक महीने पहले अपनी बहन के साथ, अपनी बहन के साथ रेप कौन करता है, वो भी एक बार नहीं, बार बार। पर नमिता, जो पारी दी थी मैंने, वो चाहे तो बदल सकती थी अपने पति को, रोक सकती थी सब कुछ, पर नहीं, मैंने सब कुछ बताया उन्हें, गिड़गिड़ाई थी मदद के लिए, पर उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा, डरती थी वो उस हैवान से। हम चाहे मिलकर ये सब कुछ बदल सकते थे, सारा सच दुनिया के सामने लेकर आ सकते थे, कुछ नहीं किया, बड़ी थी, कर सकती थी मेरी मदद। देखो बच्ची, तुम्हारे साथ जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन इतना बड़ा कदम उठाने से पहले तुम्हें पुलिस के पास आना चाहिए था, न्याय की मांग करनी चाहिए थी। हमारा सिस्टम जनता की मदद के लिए हमेशा तात्पर्य रहता है। तुम्हारे ऊपर हो रहे अत्याचार को हम रोकते और गुनहगार को सजा भी दिलवाते। रिंकी की अर्जुन के प्रति नफरत जायज थी, लेकिन उसने जो कदम उठाया वो गलत था। अपने बचाव के लिए सबसे पहले पुलिस के पास उसे जाना चाहिए था, उसके ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे उसके बारे में उन्हें अवगत करना चाहिए था। कानून भी उसकी गुहार सुनकर गुनहगार को सजा जरूर देता। कानून को अपने हाथ में लेकर रिंकी ने न सिर्फ अपनी बल्कि रेखा, नमिता और शुभ तीनों की जिंदगी बर्बाद कर दी। अपने बदले की आग में उसने तीनों को जला दिया। पुलिस और कानून जनता की मदद के लिए बनाए गए हैं। रिंकी अगर अर्जुन की करतूतों को सामने लेकर आती, उसे सजा दिलवाती, तो वो एक नया मिसाल कायम करती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। हम अक्सर अपनी परिस्थितियों से नाखुश क्यों रहते हैं? जो दूसरों के पास है वो हमें हमेशा अच्छा लगता है, जो हमारे पास है उसमें हमें खुश रहना चाहिए। महत्वाकांक्षा का होना अच्छा है, पर लालच नहीं। जिंदगी में आगे बढ़ने की चाह होनी चाहिए, लेकिन किसी और को रौंद कर नहीं, बल्कि अपने बलबूते पर। क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है। जय